जो धज्जियां उखाड़ी जाए। सही, कोई भी बुराई अगर नजर आती है ना, सबसे पहले हम ये कहते हैं लॉलेसनेस की वजह से ये काम हो रहा है। उसके साथ जो दो बड़ी किश्तियां चल रही हैं वो एक हिकमत की है, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। रूहानियत और विजडम, विजडम जो है वो डीप, वो डेप्थ का नाम है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो लातालुकी का नाम है। डाइवर्सिटी, तजर्बा, एक्सपीरियंस, लोगों से मिलना, एक बहुत मुख्तलिफ नौयतों का लिहाज करना, अगर ये नहीं है हिकमत स्टैब्लिश नहीं। हिकमत आती है वास्टनेस से। वो एक ताल्लुक तोड़ना पड़ता है किसी चीज से और एक ताल्लुक जोड़ना पड़ता है। मैं दुनिया से कट गया, मैंने दुनिया से ला ताल्लुकी की, मैंने रब से ताल्लुक जोड़ा। अच्छा, कुछ लोग बड़े हकीम बातें करते हैं, उनकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत, तो तासीर नहीं पैदा होती उनकी हिकमत के अंदर, उनके ला ताल्लुकी नहीं। ये महज हवाओं के अंदर गोलियां चला रहे होंगे अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है बात करने का। कोई भी बुराई अगर नजर आती है ना, सबसे पहले हम ये कहते हैं लॉलेसनेस की वजह से ये काम हो रहा है। हम उसका दूसरा एलिमेंट कि ये माशरे के अंदर ये लोग इसकी तरफ अमादा क्यों हो रहे हैं, लोग ये कर क्यों रहे हैं। अल्लाह के नबी के माशरे के अंदर दोनों चीज़ें थी, कानून भी सपोर्ट करता था और स्पिरिचुअलिटी भी लोगों की उनको बुराई से रोकती थी। आप इसको तीन चीज़ें रखें, एक है लॉ एंड द लॉलेसनेस, कानून की जो धज्जियां उखाड़ी जा रही। सही, उसके साथ जो दो बड़ी किश्तियाँ चल रही हैं वो एक हिकमत की है, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। रूहानियत और विजडम, विजडम जो है वो डीप, वो डेप्थ का नाम है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो लातालुकी का नाम है। मतलब अगर इस दुनिया में आपने इस दुनिया को हसीन बनाना है, एक घर को खूबसूरत बनाना है, एक माशरे को खूबसूरत बनाना है, तो उसके अंदर दो पार्ट है, एक इस दुनिया से लातालुकी और एक है इस दुनिया की अंदर मफाहीम और कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ। डाइवर्सिटी, तजर्बा, एक्सपीरियंस, लोगों से मिलना, एक बहुत मुख्तलिफ नौयतों का लिहाज करना, अगर ये नहीं है हिकमत स्टैब्लिश नहीं। हिकमत आती है वास्टनेस से, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस मतलब वो जितनी ज़्यादा विड्थ में होगा आदमी उतना वाइज हो जाएगा, वो जितना ज़्यादा डेप्थ में होगा आदमी उतना वाइज हो जाएगा। रूहानियत वो फैब्रिक है जो उसको, रूहानियत के बाद हिकमत आती है। सही, क्योंकि वो हिकमत वो एक ताल्लुक तोड़ना पड़ता है किसी चीज से और एक ताल्लुक जोड़ना पड़ता है, वरना एक्सपीरियंसेस दुनिया ही गालिब आ जाएगी उसकी, वो एक्सपीरियंसेस उस पर फसाद हो जाएगा ना। तीनों की अगर एक एक साथ पैरेलल नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा ईवल क्रिएट हो जाएगा, एक बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। अगर रूहानियत ने लाताल्लुकी ली है और वो लाताल्लुकी के साथ इल्म स्टैब्लिश नहीं हुआ और उस लाताल्लुकी के साथ विजडम स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो ये रूहानियत फसाद है, ये रहमानियत, ये मोनास्टिसिज्म है। मैं दुनिया से कट गया, मैंने दुनिया से ला ताल्लुकी की, मैंने रब से ताल्लुक जोड़ा। वो रब से ताल्लुक भी उसी फॉर्मेट में जोड़ रहा है जिस फॉर्मेट में आप दुनिया के साथ जुड़े हुए थे, उसके साथ विजडम भी नहीं आपकी इनहेंस हुई और इल्म भी आपका इनहेंस नहीं हुआ। सही, ये वाली रूहानियत थोड़ी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बड़े हकीम बातें करते हैं, उनकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत है, तो उनमें डेप्थ तो थी मगर ला ताल्लुकी नहीं थी, तो तासीर नहीं पैदा होती उनकी हिकमत के अंदर, उनके ला ताल्लुकी नहीं है। उनका ताल्लुक जो है वो कॉस्मेटिक फॉर्मेट के साथ, मस्नूई फॉर्मेट के साथ, दुनिया की ये जाहिर पसंदी, ये दुनियादारी और ये मादा परस्ती से इतना ज़्यादा है कि वो हिकमत की डेप्थ तो है, तासीर ही नहीं है उसमें, क्योंकि तासीर रूहानियत से आती है। और ये दोनों जो हैं ये महज हवाओं के अंदर गोलियां चला रहे होंगे अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है बात करने का। सही, अगर आप लोगों में नहीं है और लोगों के साथ नहीं है और लोगों की दुनिया में नहीं है और रब के साथ नहीं है, तो फिर कॉन्टेंट और सब्जेक्ट क्या आपका? तो जिसने अपनी जिसने अपना स्कोप लिमिट किया, उसका अपना कानून भी लिमिट हो जाएगा, उसकी अपनी इल्मी अप्रोच भी लिमिट हो जाएगी, उसकी अपनी तहकीक लिमिट हो जाएगी। तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक हुसन को पैदा करने में, जिसे उस कमाल की माशरत कहते हैं जो आपसे वसलम ने अचीव की साहबा के दौर में। बिल्कुल।